हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। गाइज, बहुत दिन बाद मैं आज ब्लॉग बना रहा हूँ और आज आप देख सकते हैं मेरे पीछे मैं आ गया हूँ विक्टोरिया मेमोरियल। तो आज इसके अंदर मैं पूरा जाने वाला हूँ और इसके अंदर देखते हैं क्या क्या चीज़ है। और ये जो ब्लॉग है, जो ये विक्टोरिया मेमोरियल एक्चुअली जो बनाया गया है, इसको विक्टोरिया, क्वीन ऑफ विक्टोरिया के याद में बनाया गया है। तो गाइज़, ये तकरीबन 1906 में ये इसको बनाना स्टार्ट हुआ था। और जब क्वीन ऑफ विक्टोरिया मर चुकी थी 1901 में, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि 1906 में इसको बनाना स्टार्ट किया। तो ये पूरी ये इसे पूरा तैयार करने के लिए गाइस 15 साल लग गए। 1921 में इसको स्टार्ट किया गया, पूरा तैयार कंप्लीट। और इसका जो मार्बल है गाइस, वो आया राजस्थान मकराना से। और ये जो पूरी इसकी जो पूरी ज़मीन है, गार्डन और विक्टोरिया जो मेमोरियल है, इसका पूरा ज़मीन है, टोटल जो ज़मीन है वो 64 एकड़ ज़मीन है। तो कितना बड़ा है गाइस, मैं आपको अंदर से पूरा दिखाने वाला हूँ। और इसका जो खर्च आया पूरा उस टाइम के ज़माने में 1906 में तकरीबन 1.5 लाख का टोटल इसका कॉस्ट पड़ा था गाइज उस टाइम। तो समझ लीजिए अभी के टाइम पे कितना वैल्यू हो गया होगा। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन था इसका। और वीडियो को अब फिर स्टार्ट करते हैं। चैनल पे जो नए हैं सब्सक्राइब करते जाइएगा ताकि, और बेल आइकन को भी दबा दिएगा। तो गाइज, ये है टिकट काउंटर, यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा। म्यूजियम का टिकट एक जी, नहीं नहीं चेंज नहीं। तो गाइज, मैंने टिकट खरीद लिया और इसका प्राइस जो है 30 रुपये है एंट्री फीस। तो अंदर की तरफ चलते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइज कितने लोग हैं, काफी भीड़ है। ट्राइपॉड, लैपटॉप जी जी है। सबसे पहले तो मैं यहाँ का गार्डन दिखाना चाहूंगा आपको, इतना बड़ा है गाइज यहाँ पे, पूरा 360 आपको दिखा दूं ताकि आप पूरा अच्छे से देख पाओ। वो है एंट्री गेट गाइज, ये है वो क्वीन ऑफ विक्टोरिया जिनका स्टैचू बनाया गया है बाहर गार्डन में, आप देख सकते हैं। तो गाइस, हम लोग अंदर अब जाने वाले हैं। तो गाइस, ये है अंदर का व्यू, ये पूरा हॉल है, आपको मैं दिखा दूँ पूरा ऊपर की तरफ। काफी शानदार है गाइस, बीच में ये आईना लगा हुआ है।
बहुत कुछ कवर करना है अभी, तो चलते हैं अभी अंदर और क्या क्या है देखते हैं। यहाँ देख सकते हैं गाइस, जब इसको बनाया जा रहा था ये उस वक्त की तस्वीरें हैं। गाइस काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, मैं तो 10-15 साल पहले आया था, कुछ चेंजेस है अभी देखते हैं ऊपर और क्या है। वाओ गाइस, काफ़ी मज़ेदार है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है, आपको दिखाते चलो। काफ़ी मेंटेनेंस को किया गया है गाइस, तो आप देख सकते हैं इसे पूरा फुल्ली ए सी कर दिया। मुझे लगता है शायद कुछ ज़्यादा गर्मी के कारण इसे पूरा फुल्ली ए सी कर दिया गया, तो काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस है, बहुत ही अच्छा मेंटेन है गाइस, आप देख सकते हैं सारी जगह में ए सी लगा दिया गया गाइस। होप गाइज ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। तो गाइज़ ये था कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, और इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।